नमस्कार दोस्तों, करियर टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो ऑफसेट मशीन है, इस ऑफसेट मशीन का ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन जो मैं किया हूँ, जो जिससे अगर आप ऐसा मॉडिफिकेशन अपने मशीन में करते हैं तो इससे आपका जो है मशीन की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, आपको काम आसान हो जाएगा और आपका पैसा बचाएगा। तो 10 मॉडिफाई जो मैं किया हूँ उसको मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये मॉडिफाई मैं अपने से किया हूँ, इसको किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसको करने से मेरे को फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ उस टेप में वहाँ वहाँ मॉडिफाई किया हूँ, तो उसको मैं 10 मॉडिफाई को एक एक करके मैं आपको बताऊँगा कि किस टेप पर मैं किया हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा तो आप समझ जाइएगा किस मॉडिफाई को मैं क्यों किया हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है जो जो लाल कलर का निशान बनते जा रहा है वो जो है एक मॉडिफाई है, एक मॉडिफिकेशन है जिसको मैं अपने से किया हूँ। कुछ को मैं मजबूरी में किया हूँ क्योंकि कुछ सामान जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से उसको मेरे को अपने से ही रेडी करना पड़ा, अपने से बनाना पड़ा, तो इसलिए वो मॉडिफाई हो सकता है कि उसको ज़बरदस्ती करना पड़ा। अदरवाइज कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किया हूँ जो क्या है प्रिंटिंग क्वालिटी में सुधार लाता है और पैसे भी बचाता है, तो उसको मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टेप देखते हैं। पहले हम लोग पेपर ट्रे में परिवर्तन मैं किया था, तो ये जो पेपर ट्रे में जो परिवर्तन किया इसमें मैं क्या किया हूँ, एक तो पहला ट्रे को मैं क्या किया हूँ बदल दूँ। पहले जो है ये ऐसा टाइप का ट्रे लगा था, उसको मैं अपने से जो इलेक्ट्रिक का मीटर वाला जो बोर्ड आता है उसमें मैं बनाया हूँ। तो आप चाहो तो अगर टूट गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको आप बना सकते हैं। दूसरा, इसके नीचे मैं क्या किया हूँ, देखो मैं पैर लगा दिया हूँ। ये जो पैर लगाने से इससे क्या होता है, सीधा आप ट्रे को बाहर रख के पेपर में रख सकते हैं और उठा भी आसानी से सकते हैं। दूसरा परिवर्तन नॉब लेते हैं, तो देखिए जो नॉब है इसको मैं अपने से ही बना के गैस वैस का जो नॉब रहता है उससे मैं यूज़ किया हूँ, ये मेरे को पैसा बचाने के लिए मिला नहीं इसलिए है। तीसरा परिवर्तन मैं इसमें किया हूँ, यहाँ पर देखिए ये पेपर लिफ्ट करने के लिए, जो पेपर जब उठाता था तो इसको बटन को आगे पीछे करना रहता, आगे करने से उठाता था लेफ्ट साइड और राइट साइड करने से वो उठाना बंद कर देता। इसमें मैं मॉडिफाई किया हूँ, ये दो वायर को मैं क्या किया हूँ डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि सीधा मैं जो बटन वो करता हूँ, कंप्रेसर काम करता हूँ, तो ये सीधा पेपर उठाना चालू कर देता है। अगला, इस रॉड में मैं मॉडिफाई किया हूँ, देखिए ये रॉड जो है मेरे को मिला नहीं तो मैं क्या किया हूँ अपने से बना लिया हूँ, ठीक है। अगला पांचवा, इसमें क्या क्या है, ये जो रॉड है इसको मैं मैग्नेट से, यहाँ पर मैग्नेट लगा के ऐसा यूज़ करता हूँ, इससे क्या होता है मेरा समय बचता है। अगला है ओवर ड्रॉपिंग, अगर इंक ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर गिरता था, इससे पेपर में कई बार गिर जाता था, प्रिंटिंग क्वालिटी ख़राब होती थी, तो इसमें मैं यहाँ पर क्या किया हूँ मास्टर लगा दूँ। अगला जो है लाइट का यूज़, ये इसके बारे में मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइट को क्या कहता है, ऐसे कवर में लगा था, तो कवर का भी यूज़ नहीं, इससे आपका देखने में भी आसान हो गया, तो मैं ऐसा LED प्लेट लगा दिया हूँ, तो ये एक मैं परिवर्तन किया हूँ। अगला परिवर्तन किया हूँ, यहाँ पर जो है इसमें दो ठोक लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा लगा के, इससे क्या होता है पेपर सही तरीके से उठाता है। देखिए यहाँ पर पेपर जो है ये प्रॉपर उठाता है। अगर पेपर इस सेपरेट है, इसमें मैं यूज़ किया, इसमें मैं मास्टर लगाया, इसका मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ एक अलग से, इसका मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। तो ये सेपरेट, इसको मास्टर लगाने से क्या हुआ, पेपर अलग से सेपरेट होता है, सिंगल पेपर उठाता है। और लास्ट मैं 10वां नंबर का चेंज किया हूँ, इसमें यहाँ पर जो है इसमें एक स्टिकर चिपका दूँ, इससे मेरे को पता चलता है किस पोजिशन में ये जो है सही तरीके से पेपर उठाता है। तो इसको आपको इतना 10 परिवर्तन को मैं आपको जल्दी जल्दी बताया हूँ। आप चाहे तो किसी, अगर कोई समझ नहीं आया तो मेरे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।